सिक्किम को देश का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य घोषित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने राजधानी गंगटोक में इसकी घोषणा की। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिक्किम ने लगातार त्रासदी झेली है, इसके बाद भी यहाँ के लोग कभी रोते नहीं, खुश रहते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करते। उन्होंने उसके लिए वहाँ के सीएम के प्रयासों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मैं देश भर के कृषि मंत्रियों के साथ यहाँ आया हूँ और इस बात पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि भारत में खेती को और बेहतर कैसे बनाया जाए। पीएम ने सिक्किम को सुगिस्तान करार देते हुए कहा कि इस राज्य की एक खूबी है कि यहाँ के लोग कभी परेशान नहीं होते। मोदी ने कहा कि सिक्किम दुनिया के तमाम उन देशों के लिए मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले जब गांधी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी तो लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और उसका नतीजा सभी के सामने है। गांधी मार्ग गंगटोक का लैंडमार्क बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि सिक्किम के पाग्योंग में एयरपोर्ट बनाए जाने की योजना है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2017 में ये एयरपोर्ट चालू भी हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि ये एयरपोर्ट उस क्षेत्र का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट होगा। इसके बाद सिक्किम को रेल नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के ऊपर आम आदमी सेना के कार्यकर्ता ने शाही कैफे की दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया। अब आपको इसके पीछे केजरीवाल की हत्या की साजिश नजर आती है तो भाजपा को सीएनजी स्टीगर घोटाले की बू। तालकटोरा स्टेडियम पर केजरीवाल पर शाही फेंकने के मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसके पीछे दिल्ली पुलिस और भाजपा की लापरवाही है। वहीं आशुतोष ने इसे केजरीवाल की हत्या की साजिश भी करार दे दिया और कहा कि सुरक्षा में चूक की जिम्मेवारी केंद्र सरकार को लेनी होगी। भाजपा की तरफ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि ये सीएनजी घोटाले की वजह से जनता का रोष है। वहीं गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केजरीवाल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र ने पहले से दे रखी है। कहते हैं कि इतिहास किसी को माफ नहीं करता और इतिहास खुद को दोहराता है। केजरीवाल ने चिदम्बरम को जूता मारने वाले जर्नैल सिंह को आपकी टिकट पर विधायक बनाया और अब शाही में हत्या की साजिश नजर आती है। वाह रे केजरीवाल, शाही से परेशानी और जूते की चोट से परहेज नहीं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम उन पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। वह एक वीडियो में भगवान विष्णु की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो में राम रहीम विष्णु भगवान की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। उनके गले में माला और हाथ में आशीर्वाद देने की मुद्रा में उठे हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के सदस्य ने जीरकपुर पुलिस स्टेशन में शनिवार को शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। राम रहीम पर हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं पर चोट पहुंचाने की शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले भी राम रहीम सिखों के गुरु गोविंद सिंह की नकल वाली पोशाक पहनने की वजह से विवादों में रह चुके हैं। उस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बता दें कि राम रहीम की वेशभूषा की नकल करने की वजह से अभिनेता कीकू शारदा पर राम रहीम समर्थक उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। वहीं डेरा सच्चा सौदा का कहना है कि डेरा सभी धर्मों के देवी देवताओं का सम्मान करता है, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बना है। सोमवार का दिन राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के नाम रहा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 16 अलग अलग बोर्ड, आयोग, निगम, समितियों और आयोग के अंदर अलग अलग पदों पर नियुक्तियां दी। इसके साथ ही 5 संसदीय सचिव भी बना दिए गए। सोमवार को 16 राजनीतिक नियुक्तियों के आदेश जारी किए गए, जिनमें बोर्ड, नगर न्यास, सुधार समितियां, आयोग के चेयरमैन और सदस्य पद शामिल हैं। मलमास खत्म होने के तुरंत बाद नियुक्तियों की घोषणा आदेश जारी कर दिए गए। समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन का पद कमला कसवा को मिला। कसवा जाट समाज से आती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, अच्छा राजनीतिक अनुभव है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से विधायक चुनी गई थी। उनके पति राम सिंह कसवा पूर्व में सांसद रहे और पुत्र राहुल कसवा वर्तमान में चूरू से भाजपा सांसद हैं। कमला मूल रूप से मुढ़ाल खुर्द हरियाणा की बेटी हैं। राजस्थान राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड चेयरमैन का पद शंभुदयाल बड़गुजर को मिला। शंभुदयाल केकड़ी से विधायक रह चुके हैं। अब की बार इनका टिकट काटकर शत्रुघ्न गौतम को टिकट दिया गया था। ऐसी कोटे से इनका नाम बड़ा है। चुनीलाल धाकड़ के बाद ऐसा नाम है जो गैर सवर्ण है। प्रेम सिंह बाजौर को सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 संसदीय सचिवों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पदों की शपथ भी ग्रहण कर ली। जबकि अन्य राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में जाति समीकरणों क्षेत्रों के लिहाज से भी ध्यान रखा गया। जालौर के बीजेपी पार्षदों ने अपने ही सभापति के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। नाराज पार्षदों ने जयपुर पहुंचकर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौर को ज्ञापन सौंपा और सभापति को हटाने की मांग की। अपने सभापति के खिलाफ कच्चा चिट्ठा लिए ये सभी जालौर बीजेपी के पार्षद हैं। पार्षदों का आरोप है कि सभापति भंवर लाल माली ने जमकर भ्रष्टाचार किया है
भू माफिया और रिश्तेदारों के नाम से सरकारी जमीनों को पट्टे जारी किए हैं। 22 दिसंबर को जालौर के जिला कलेक्टर को भी शिकायत का ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने मामले में कार्रवाई करने से ही इनकार कर दिया। हालात इतने बदतर हैं कि 14 महीने में केवल 4 बार ही बोर्ड की बैठक हुई है। ऐसे में सभापति भंवरलाल को तत्काल पद से हटाकर भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी का संदेश दिया जाना चाहिए। यही फरियाद लेकर बीजेपी के तमाम पार्षद जयपुर प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत करने पहुँचे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपने दफ्तर में नदारद मिले। पार्षदों को पता चला कि पार्टी मुख्यालय में संसदीय कार्य मंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, तो पार्षदों ने लिखित शिकायत देकर उनसे सभापति को पद से हटाने की मांग की। वहीं इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौर का कहना है कि ऐसे फैसले पार्टी अध्यक्ष स्तर पर होते हैं। पार्षदों की शिकायत पार्टी अध्यक्ष अशोक परनामी को पहुँचा दी जाएगी, जो भी फैसला होगा उन्हीं को करना होगा। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह बराना के बीच टोंक में सर्किट हाउस में वीआईपी कमरे को लेकर पैदा हुए विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल पार्टी आलाकमान तक मामला पहुंचने के बाद मंत्री की शिकायत करने और मंत्री पर शराब पीकर अनगर आलाप करने का आरोप लगाने वाले सांसद जौनपुरिया बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने पहुंचे सांसद जौनपुरिया। सांसद जौनपुरिया ने माना कि टोंक सर्किट हाउस में 2 नवम्बर को कमरे में मंत्री बढ़ाना को ठहरना था, लेकिन वहाँ यूपी के अमरोहा से सांसद को उन्होंने ठहरा रखा था कि मंत्री होने के नाते यह कमरा नियमानुसार उन्हें मिलना चाहिए और सर्किट हाउस मैनेजर भी यह कह रहे थे कि मंत्री को कमरा मिलना चाहिए। वहीं मंत्री हेम सिंह बढ़ाना की ओर से यह कह जाने पर कि सांसद को ऐसा आरोप लगाना शोभा नहीं देता, उसे भी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया स्वीकार करते नजर आए। चूँकि यह बीजेपी संगठन का मामला है, इस पर विवाद को खत्म कर देना चाहिए। पूरे मामले को लेकर चाहे गलती सांसद की हो या फिर मंत्री की, लेकिन पूरे मामले में पार्टी की किरकिरी हुई है। ऐसे में पार्टी के भीतर से सवाल उठने लगा है कि आखिरकार दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई। जयपुर के शिक्षा संकुल में आयोजित हुई इस बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी मौजूद रहे, जिन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सत्र की होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, उड़न दस्ते गठित करने, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, नोडल केंद्रों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। आज हुई इस बैठक में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस परीक्षा के आयोजन को लेकर निर्देशित किया गया है, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो सके। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन स्थल को लेकर डिग्गी पैलेस पर तलवार लटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में डॉक्टर संजीव गुप्ता की तरफ से उनके वकील एके जैन ने जनहित याचिका लगाई है और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 तारीख को मुकर्रर की है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और विवादों का पुराना नाता रहा है, इस कड़ी में नया विवाद आयोजन स्थल डिग्गी पैलेस को लेकर खड़ा हो गया है। जयपुर के डीसीपी रविदत्त गौर ने लिटरेचर फेस्टिवल के लिए डिग्गी पैलेस को अनुपयुक्त जगह बताई है और कहा कि अशोक नगर थाना भी जांच में यह कह चुका है कि इसके साथ प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण जयपुर आतंकवादी संगठनों के निशाने पर शुरू से रहा है और पूर्व में जयपुर में आतंकी हमला हो चुका है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर भीड़ में मेंटेन करना बेहद मुश्किल है। इसके साथ डिग्गी पैलेस के नजदीकी आवासीय कॉलोनी होने, घनी आबादी, एसएमएस अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस के जाम में फंसने, यातायात बाधित होने जैसे कई कारण गिनाते हुए परमिशन नहीं दी गई और 31 दिसंबर 2015 को पत्र जारी किया गया तो 15 जनवरी 2016 को ही डीसीपी रवि दत्त का तबादला कमांडेंट की 7वीं बटालियन भरतपुर कर दिया गया। इसे दंड के रूप में देखा जा रहा है। हाईकोर्ट में डॉक्टर संजीव गुप्ता की ओर से एडवोकेट एके जैन ने इस प्रकरण में याचिका दायर कर दी है, जिस पर जस्टिस अजय रस्तोगी की कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई की तारीख रखी है। दरअसल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन स्थल को लेकर पनपा विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रसूखदारों के आगे क्यों हर बार पुलिस बौनी साबित होती है। कहते हैं जल है तो कल है, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश भर में जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन गंभीर नजर आया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में पहले चरण में 58 ग्राम पंचायतों के 178 गांव में अभियान चलाया जाएगा। इन सभी गांवों में 27 जनवरी को एक साथ कार्य शुरू होंगे। 27 जनवरी को सभी कार्यों का एक साथ उद्घाटन होगा। इस अभियान के तहत नदी, तालाबों, नाड़ियों, टाकों सहित
कई माध्यमों से बरसात का पानी संरक्षित हो यह व्यवस्था की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 97 करोड़ से यह कार्य होंगे, जिनमें सरकारी व प्रशासनिक सहायता से 64 करोड़ तथा जन सहभागिता से लगभग 38 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। यह 38 करोड़ के कार्य उद्योगों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों तथा आम जन के सहयोग से एकत्रित किए जाएंगे। इस अभियान को जन अभियान बनाया गया है तथा इस अभियान में सांसद, विधायक सहित कई जन प्रतिनिधियों तथा जिले भर के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी ओर से सहायता देना शुरू किया है। तो वहीं इस पुनीत कार्य में चित्तौड़गढ़ के मीडिया ने भी 2.25 लाख से भी ज्यादा की सहायता दी है। बहरहाल इस महाअभियान के लिए कई जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इस जल स्वावलंबन अभियान के पहले चरण को पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। डीडीआर के एडीजे कोर्ट में आज आनंद पाल गिरोह के 4 सदस्यों की पेशी हुई। पेशी के दौरान कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी और अदालत ने आगामी पेशी के आदेश दिए। डीडवाणा के बहुचर्चित जीरोराम गोदारा हत्याकांड को लेकर आज आनंद पाल गैंग के सदस्यों की डीडवाणा के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेशी हुई। इस दौरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद पाल सिंह के भाई मंजीत सिंह, दातार सिंह, संजय पांडे और परवेज अहमद को अजमेर जेल में कड़ी सुरक्षा में डीडवाणा लाया जाकर कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन पूर्व की पेशियों की तरह इस बार भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान आनंद पाल सिंह के फरार होने के बाद पुलिस काफी सतर्क दिखी। पेशी के दौरान आज भी पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे कोर्ट परिसर पर कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। अलवर के शिवाजीपार थाना अंतर्गत बैरो रोड पर आज एक बस और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें अलवर के रामगढ़ में उप तहसीलदार की इस दुर्घटना में मौत हुई है। डिजायर में सवार उप तहसीलदार बैरोड से अलवर की तरफ आ रहे थे, जबकि बस अलवर से बैरो की ओर जा रही थी। अलवर जिले में कोहरे से दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोहरे की वजह से अलवर बैरो बेगा हाईवे पर जटियाना गांव के समीप सामने से आ रही रोडवेज बस और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें शिफ्ट डिजायर कार चकनाचूर हो गई और रोडवेज बस की भी एक साइड से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। एक्सीडेंट के बाद भी कार काफी दूर तक घसीटती हुई चली गई। एक्सीडेंट में कार में सवार रामगढ़ पंचायत समिति में तैनात सब रजिस्ट्रार भगवान दास की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सब रजिस्ट्रार भगवान दास बांसुर में कोर्ट में पेशी से वापस लौट रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हाल ही में कोहरे के चलते दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है, कई जगहों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं इसी के चलते वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। अलवर में आज 2 घटनाएं हुई है, जिसमें एक घटना में उप तहसीलदार की मौत हुई है, जबकि बांसुर में 2 युवाओं की मौत हो गई। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के झाजड़ गांव में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। 2 डंपरों की भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई तथा 1 युवक गंभीर घायल हो गया। घटना की सूचना पर नवलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शवों को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार झाजड़ गांव की खरबासों की ढाणी के पास सड़क के किनारे खड़े एक डंपर के सीकर की ओर से आ रहे दूसरे डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि डंपर के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर नवलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतकों की शिनाख्त रघुवीर सिंह निवासी गोठड़ा, छोटू राम रोहितास निवासी बिलवा और रोहितास निवासी धमोरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक डंपर चालक से लिफ्ट लेकर नवलगढ़ आ रहे थे। वहीं झाजड़ गांव के पास सड़क के किनारे खड़े बजरी के ट्रक से डंपर टकरा गया और चालक सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल नवलगढ़ पुलिस ने दोनों डंपरों को जब्त कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस प्रशासन एक विशेष अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, ताकि ऐसे सड़क हादसों पर लगाम लग सके। भरतपुर मथुरा मार्ग पर घने कोहरे की चपेट में आने से एक ट्रोला और टैंकर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें टैंकर चालक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में
भर्ती कराया गया। जयपुर मथुरा मार्ग पर स्थित आरटीओ नाके के पास घने कोहरे के कारण टैंकर और ट्रोला की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद टैंकर में से पेट्रोल लीक होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ का यातायात बंद कर आईओसी के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे आईओसी के अधिकारियों ने टैंकर पर फोम का छिड़काव कराया और सावधानी पूर्वक क्षतिग्रस्त टैंकर से दूसरे टैंक में पेट्रोल को निकलवाया। करीब दो घंटे चले इस घटनाक्रम के बाद जाम को खुलवाया गया। घटना के बाद टैंकर में से पेट्रोल लीक होने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और किसी बड़ी घटना को मद्देनजर रखते हुए थाना उद्योग नगर पुलिस ने आईओसी के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे आईओसी के अधिकारियों ने सुरक्षित तरीके से पेट्रोल दूसरे टैंक में खाली करवाया। कोटा के महावीर नगर में रहने वाली एक महिला को अपने ही घर में डर के साए में रहना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि महिला को अपने मकान के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाने के साथ साथ कमरों के भी इंटरलॉक लगा कर रखना पड़ता है। महिला के इस डर का कारण है महिला का पति। महावीर नगर की रहने वाली श्वेता का पति दीपक के साथ तलाक हो गया। दीपक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में महिला ने तंग आकर उससे तलाक ले लिया। श्वेता के अनुसार दीपक ने उसके पिता को एक मकान बेचा था, जिसमें वह अभी रह रही है। लेकिन अब आरोपी दीपक ने मकान किसी और को भी बेच दिया और उससे खाली करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। तलाक के समय दीपक ने कोर्ट के समक्ष यह लिखित में दिया था कि वह उनके दोनों बच्चों के नाम एफडी करवाएगा, लेकिन वह भी नहीं करवाई। कुछ दिन पहले दीपक अपने दोस्तों के साथ मकान पर पहुंचा और श्वेता के साथ बेरहमी से मारपीट की। आसपास रहने वाले कोचिंग छात्रों ने बीच बचाव किया। श्वेता ने शिकायत थाने में की, लेकिन मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते अब श्वेता को अपने ही घर में कैद होकर रहना पड़ रहा है। श्वेता का आरोप है कि पुलिस ने ना तो मारपीट के मामले में कोई कार्रवाई की है और ना ही कोर्ट के आदेशों की कोई तामील करवाई है। वहीं इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। वहीं कोर्ट के आदेशों की अगर बात की जाए तो उनकी तामील इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आरोपी दीपक पुलिस को नहीं मिल रहा है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने दो मंदिरों को निशाना बनाते हुए भगवान की मूर्तियां सहित हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात चोरों ने दो मंदिरों को निशाना बनाते हुए भगवान की मूर्तियों के साथ हजारों रुपए के पीतल के बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। पुराना शहर स्थित बालाजी और गोविंद देव जी के मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोर तीन लड्डू गोपाल की मूर्तियों के साथ पूजा के उपयोग में आने वाले पीतल के बर्तनों को चुरा ले गए। पहली वारदात में चोर खिड़की को तोड़कर बालाजी के मंदिर में घुसे, जहां मंदिर में अंदर की ओर ताला लगा होने पर चोर वारदात को अंजाम नहीं दे सके। लेकिन पास ही स्थित गोविंद देव जी के मंदिर में छत के रास्ते से घुसे चोरों ने भगवान की मूर्तियों के साथ पीतल के बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुणे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगाई गई पोस्ट मशीनें इन दिनों सर्वर डाउन के चलते उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबक बन गई है। राशन डीलरों की दुकान पर आने वाले उपभोक्ताओं को सर्वर डाउन के चलते राशन सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुणे में करीब 15 से अधिक दुकानों पर मशीन उपभोक्ताओं का धन अन्य दुकानों पर रसा रही है और सर्वर डाउन से उपभोक्ताओं को 5 से 6 घंटों तक राशन की दुकानों पर खड़ा होना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का नाम अन्य दुकानों पर प्रदर्शित होने से खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है और कई मशीनों में स्टॉक दुगुना दर्ज हो गया है। अचानक बड़े स्टॉक को देखकर दुकानदारों की सांसें फूल चुकी है। वहीं ग्रामीणों को नेटवर्क की समस्याओं के चलते पोस्ट मशीनें ठप हो चुकी है। मशीनों के नहीं चलने से राशन डीलरों के सामान में वितरण की समस्या पैदा हो गई है। इसे में राशन विभाग ने संबंधित दुकानों के लिए सरपंच, सचिव, पटवारी और समिति प्रमाणित रजिस्टरों पर द्वारा वितरण करने की सुविधा दी है, ताकि गाँव में आ रही परेशानियों का समाधान हो सके। जिन गाँव में प्रमाण पत्र आ रहा है वहीं उपभोक्ताओं को रजिस्टर के जरिए खाद्यान्न का उपलब्ध किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आए दिन पोस्ट मशीन का सर्वर डाउन होने के चलते यहाँ पर आने वाले उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं मिल पा रही है। आए दिन उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। राशन दुकान पर रखी पोस्ट मशीन का सर्वर डाउन होने से वितरण की समस्या आ रही है, जिससे उपभोक्ताओं को दुकानों के हजारों चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि सर्वर कब सही हो पाता है और यहाँ पर आने वाले राशन उपभोक्ताओं को कब सामग्री मिल पाती है। गायों की दुर्दशा के लिए प्रसिद्ध हिंगोनिया गौशाला में एक बार फिर हजारों गायों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। चारे से जुड़े ठेकेदार ने भुगतान नहीं मिलने के कारण गायों के लिए चारा डलवाने के लिए साफ मना कर दिया है।
जयपुर नगर निगम को हिंगोनिया गौशाला के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन हर बार हिंगोनिया गौशाला में गायों के चारे के लिए संकट खड़ा हो जाता है, जहां हर बार भुगतान नहीं होने का तर्क देने के साथ ही जनप्रतिनिधियों की ओर से अधिकारियों पर आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन परेशानी केवल इन बेजुबानों को उठानी पड़ती है। आज जब नगर निगम की गौशाला से जुड़ी समिति के अध्यक्ष ने यहां का दौरा किया तो यहां भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। गौशाला समिति के चेयरमैन भगत सिंह ने साफ कहा है कि नगर निगम के अधिकारी और महापौर उनकी सुनने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कि गायों के लिए चारे का संकट पहली बार हुआ हो, इससे पहले भी चारे का संकट के साथ ही गायों की दुर्दशा सामने आ चुकी है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इसे रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं कर पाता। प्रदेश में 27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण थरात ने शास्त्री नगर स्थित विज्ञान उद्यान से किया। इस दौरान पुलिस एवं परिवहन विभाग के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 18 से 24 जनवरी तक चलने वाले समारोह में शहर के कई एनजीओ ने भी भाग लिया। इसमें रैली, नुक्कड़ नाटक, बाल नाटक और लोक गीतियों के जरिए लोगों को रोड सेफ्टी के नियमों के लिए जागरूक किया जाएगा। मंत्री कालीचरण सराफ ने बताया, हर साल प्रदेश में 10,000 लोग सड़क हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं, वहीं 25,000 लोग प्रदेश की सड़क हादसों में घायल हो जाते हैं। उन्होंने बताया, अगर पूरे देश की बात की जाए तो एक साल में 1,40,000 लोगों की मौत सड़क हादसों से हो जाती है, जिसे लेकर इस बार विभाग सप्ताह ही नहीं बल्कि पूरा साल सड़क सुरक्षा साल के रूप में मनाएगा। पूरे साल विभाग और एनजीओ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं सराफ ने कहा, नियम तोड़ने वाले पर विभाग सख्त कार्रवाई करे। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़कर किसी की सिफारिश लगाता है तो अधिकारी उस पर भी कार्रवाई करने से ना चुके। श्री गंगानगर में बने राजस्थान रोडवेज के डिपो में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इस वर्कशॉप में बतौर मैकेनिक काम करने वाली ये महिलाएं बसों के टायर बदलने से लेकर इंजन के हर पार्ट की मुरम्मत की जानकारी बखूबी रखती हैं। कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से ही कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा कोई भी फील्ड बाकी नहीं रहा जिसमें महिलाओं की भागीदारी न रही हो। महिलाएं अब धीरे धीरे मैकेनिक फील्ड में भी हाथ आजमाने लगी हैं। श्री गंगानगर में बनी रोडवेज वर्कशॉप में कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है, जहां महिलाएं हाथ में चाबी पाना लिए बसों की मुरम्मत के लिए नट बोल्ट के साथ जद्दोजहद करती नजर आती हैं। बताया जाता है कि राजस्थान में यह पहली वर्कशॉप है जहां महिला मैकेनिक काम कर रही है। हालांकि मैकेनिक फील्ड ऐसी है जिसमें ताकत और दिमाग की बेहद जरूरत होती है, ऐसे में पुरुष भी इस फील्ड में आने से हिचकिचाते हैं। वहीं इन महिला मैकेनिक के इरादे बुलंद हैं। जब उनसे इस फील्ड में आने वाली परेशानियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही हौसले के साथ कहा कि जब महिलाएं देश और प्रदेश की कमान संभाल सकती हैं तो मैकेनिक बनना कोई मुश्किल काम नहीं। ये महिला कर्मचारी पूरी ही शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं। अधिकारियों की माने तो इन महिलाओं ने कभी ड्यूटी में न तो लापरवाही बरती और न ही कभी शिकायत का मौका दिया है। इस वर्कशॉप में काम करने वाली ये महिलाएं उन महिलाओं के लिए आदर्श हैं जो आगे बढ़ने से हिचकिचाती हैं। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंकते हैं। ओलंपिक में भारत की ओर से मैराथन दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले राजस्थान के खेताराम को अब तक सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है। वह अपने खुद के बूते इस मुकाम तक पहुंचा है। अब उसके सामने चुनौती ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने की है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में बायतू कस्बे के निवासी खेताराम ने रविवार को ही मुंबई में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। खेताराम ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना में तैनात खेताराम ने अब तक की सारी उपलब्धि खुद के बलबूते हासिल की है। मैराथन के अभ्यास के लिए उनको 7-8 हजार रुपए के एक जोड़ी जूते खरीदने पड़ते हैं, जो करीब 2 महीने में ही फट जाते हैं। इसके अलावा उनको मैराथन धावक के लायक भोजन की जरूरत भी होती है, जो उनको नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कई पदक जीतने के बाद भी अब तक प्रदेश और केंद्र सरकार ने उनको कोई सुविधा नहीं दी है। मुंबई से अपने घर लौटते समय जोधपुर पहुंचने पर खेताराम ने अपनी यह पीड़ा बताई। खेताराम का उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पदक क्यों नहीं जीत पाते हैं। जरूरत इस बात की है कि ओलंपिक में खिलाड़ियों के खाली हाथ लौटने पर हाय तौबा मचाने के बजाय वक्त रहते खेताराम जैसी प्रतिभाओं की पहचान कर उनको जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाए, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कर देश का नाम रोशन कर सकें।